हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस एंड इन सीसेट पेपर टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज। टुडे इज अवर टॉपिक इज परमुटेशन कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी। यस, आज हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी से जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में प्रीवियस ईयर के अंदर पूछे गए थे सभी डिस्कस करेंगे। ओके, तो एक बार प्रीवियस ईयर का एनालिसिस कर लेते हैं कि हाँ जी, प्रीवियस ईयर में इन टॉपिक्स में से कौन कौन से कितने कितने क्वेश्चंस आए हुए थे। ठीक है, तो 2015 के अंदर थे आपके 3 क्वेश्चंस। यस, 3 क्वेश्चंस आपके 2015 में थे। 2016 2 क्वेश्चंस, 2017 2 क्वेश्चन, 2018 3 क्वेश्चन, 2019 2 क्वेश्चन एंड 1 क्वेश्चन वाज इन 2020। यस, क्लियर। तो अब इसी तरह से आप ये कह सकते हो कि हाँ जी, हर बार क्वेश्चन आ रहा है आपका परमुटेशन कॉम्बिनेशन में से आ रहा है या फिर प्रोबेबिलिटी में से। ठीक है ना, मींस कि क्वेश्चन इस टॉपिक में से आ ही आ रहा है। और दूसरा ये है कि एक इजी टॉपिक है, आप इसको इजीली कर सकते हो। ठीक है ना, तो सभी ने इस टॉपिक को ध्यान से समझना है। देखो, आज की क्लास के बाद ही आप लोगों को ऐसा लगेगा कि हाँ जी इजी है, हमें इसको स्किप नहीं करना चाहिए। ओके, तो जो टॉपिक्स पे से क्वेश्चन आ रहे हैं एटलीस्ट उनको आपने स्किप नहीं करना, उसको अच्छे से प्रिपेयर करना। ओके, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे हम फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि 2015 के अंदर आया था। यस, 2015 का क्वेश्चन है। क्या है, देखिए, कह रहे स्टूडेंट हैज ऑप्ट फॉर 2 सब्जेक्ट्स आउट ऑफ 5 सब्जेक्ट्स। देर आर टोटल 5 सब्जेक्ट और 5 में से उसको 2 सब्जेक्ट्स ऑप्ट करने हैं फॉर द कोर्स, नेमली कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक, मैथमेटिक्स 1 एंड मैथमेटिक्स 2। ओके, देर आर 5 सब्जेक्ट और 5 में से कितने ऑप्ट करने हैं, 2 सब्जेक्ट्स ऑप्ट करने हैं। अब आगे गिवन है आपका कि मैथमेटिक्स 2 कैन बी ऑफर्ड ओनली इफ मैथमेटिक्स 1 इज ऑल्सो ऑप्टेड। यस, 2 कब मिलेगा, अगर 1 ऑप्ट है तो ही 2 मिलेगा, अदरवाइज 2 नहीं मिलेगा। ठीक है, द नंबर ऑफ डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ 2 सब्जेक्ट्स विच कैन बी ऑप्टेड इज, तो कह रहा है कि नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे। हाँ जी, पॉइंट क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए, हमें 2 सब्जेक्ट टॉप करने हैं, तो उस केस के अंदर जो हमारे पास में मैथमेटिक्स 2 है, सिर्फ इसी पे ही एक कंडीशन अप्लाई होती है कि हाँ जी, सिर्फ मैथमेटिक्स 1 के साथ ही ऑप्ट किया जाएगा, डन। बाकी के जो 4 सब्जेक्ट हैं आपके पास में, इनके ऊपर कोई कंडीशन अप्लाई नहीं हो रही। दैट मीन्स व्हाट, कि हाँ जी, इन हम 4 में से कोई भी 2 चूज कर सकते हैं, तो 4 में से 2 चूज कर सकते हैं। दैट मीन्स क्या बनेगा आपके पास, 4C2। 4 में से कितने चूज कर सकते हैं हम, 2। या तो हम 4 में से इनमें से किसी में से 2 चूज कर लेंगे, या फिर अगर M2 लेना है तो सिर्फ आपके पास में एक ही कॉम्बिनेशन बन रहा है कि भाई M1 और M2 का, तो अपने पास में क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ वेज कितने आ जाएंगे यहाँ पे अपने पास में, 4C2+1। क्लियर। अब 4C2 कितना हो गया आपका, ये हो गया आपके पास 6। 6+1 इज इक्वल टू 7। सो 7 विल बी द करेक्ट आंसर। यस, पॉइंट क्लियर है बिल्कुल। यहाँ पे एक सब्जेक्ट पे कंडीशन लग रही है, ठीक है ना, तो हम कंडीशन वाले को अभी के लिए एक बार के लिए हम उसको छोड़ देंगे। ठीक है, उसके अलावा जो 4 उस पे तो कोई भी कंडीशन नहीं है। दैट मींस कि 4 में से कोई भी 2 चूज किए जा सकते हैं। अब 4 में से 2, दैट मींस व्हाट, कि 4C2 कॉम्बिनेशन हो गया, प्लस एक आपके पास में क्या ऑप्शन है कि अगर हम मैथमेटिक्स 2 लेना चाहते हैं तो मैथमेटिक्स 1 अगर ऑप्ट कर रखा है तभी मिलेगा। तो उस केस में तो सिर्फ एक ही कॉम्बिनेशन मिलेगा ना, मैथमेटिक्स 1 और मैथमेटिक्स 2, तो एक आपके पास में वो हमने ऐड कर दिया। सो पता चल गया 1 हमने क्यों ऐड किया। तो ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर है। यस, नेक्स्ट देखिए, 2015 का ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, देयर आर 5 टास्क एंड 5 पर्सन। देयर आर 5 टास्क एंड 5 पर्सन। 5 ही टास्क है, 5 ही पर्सन है। हम मान लेते हैं हमारे पास 5 टास्क है एंड 5 पर्सन है। ओके जी, अब आगे गिवन है आपके पास, टास्क 1 कैन नॉट बी, यहाँ पे क्या लिख रहा है, कैन नॉट बी असाइन टू इधर पर्सन 1 एंड पर्सन 2। यहाँ पे एक अगेन कंडीशन है कि जो टास्क 1 है वो पर्सन 1 और पर्सन 2 को नहीं मिल सकती। देन उसके बाद में क्या है, टास्क 2 मस्ट बी असाइन टू इधर पर्सन 3 एंड पर्सन 4। या तो 3 को मिलेगी या तो 4 को मिलेगी। एवरी पर्सन इज टू असाइन 1 टास्क, हर एक को एक टास्क मिलेगी। इन हाउ मेनी वेज कैन द असाइनमेंट बी डन। यस, असाइनमेंट कितने तरीके से हो सकते हैं। तो पहले देखो, यहाँ पे एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है, कंडीशनल पॉजिटिव स्टेटमेंट कौन सी है, कि टास्क 2 मस्ट बी असाइन टू इधर पर्सन 3 और पर्सन 4।
थ्री और फोर में से किसी एक को मिलेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए जो टास्क टू है इसके लिए हमारे पास दो पर्सन है, दो वे से हम इसको साइन कर सकते हैं कि या तो पर्सन थ्री को कर देंगे या तो पर्सन फोर को कर देंगे। अभी दो में से एक पर्सन को ये टास्क असाइन हो गई, ठीक है। अब आपके पास में जो टास्क वन है, वन की कंडीशन क्या है, पहले हमने क्या करना है, जो कंडीशन गिवन होती है पहले हमें उसको देखना है, उसके बाद में हम बाकी को चेक करेंगे, ओके। तो यहाँ पे आपके पास में जो दूसरी कंडीशन थी वो क्या थी कि जो टास्क वन है दैट कैन नॉट बी असाइन टू पर्सन वन पर्सन टू। अब पर्सन वन को नहीं मिल सकती, पर्सन टू को नहीं मिल सकती, दैट मीन्स वट कि या तो पर्सन थ्री को मिलेगी जो टास्क है वन, या तो थ्री को मिलेगी या फोर को मिलेगी या फिर फाइव को मिलेगी, डन। अब इसके अंदर से भी यहाँ पे हमारी जो दूसरी थी कंडीशन, इसमें थ्री फोर में से ही यहाँ पे एक पर्सन आ सकता है, दैट मीन्स कि एक पर्सन यहाँ पे आ गया, एक यहाँ पे आ गया, बच गए कितने, सिर्फ दो। तो यहाँ पे कितने वे से आप असाइन कर सकते हो, सिर्फ आप टू जो पर्सन है, या तो थ्री फोर में से एक जो यहाँ पे नहीं आया, और या फिर फाइव, ठीक है ना। तो कितने वे से हो गया आपका, टू वे से यहाँ पे ये सिलेक्ट हो जाएगा, क्लियर। अब आपके पास बचे कितने, थ्री पर्सन है, थ्री टास्क है, थ्री पर्सन है, थ्री टास्क है, इसको आप थ्री वे से कर सकते हो, इसको टू वे से और इसको वन से, ओके, पॉइंट क्लियर है बिल्कुल, यस। कंडीशन आपकी क्या गिवन है कि जो टास्क टू है वो सिर्फ थ्री और फोर में से एक को मिलेगी, दैट मीन्स कि आप टू वे से असाइन कर सकते हो, हमने यहाँ पे टू लिख दिया, डन। उसके बाद में कह रहा कि जो टास्क वन है वो वन और टू को नहीं मिलेगी, वन टू को नहीं मिलेगी, थ्री फोर में से एक यहाँ पे चला गया, ठीक है। तो कितना बच गया, एक पर्सन वो रह गया आपका, ठीक है ना। तो बच गया कितने अपने पास में, टू वे से आप इसको असाइन कर सकते हो, बिल्कुल क्लियर। अब उसके बाद में बच गए तीन पर्सन, तीन टास्क, तीन पर्सन है तो थर्ड को थ्री में से कोई भी एक पर्सन को मिल जाएगी, ठीक है, टू में से कोई भी पर्सन असाइन हो जाएगा, बचा वन वो उसको मिल जाएगा, क्लियर। तो कितना आ जाएगा आपके पास में, ये दो दो चार, चार दूनी आठ, आठ तीन चौबीस, ठीक है जी, कितना आ गया आपके पास, 24। सो आंसर विल बी 24, यस 24 वे से ये हो जाएगा, क्लियर। किसी को कोई भी डाउट हो इस क्वेश्चन के अंदर, यस 24 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2015 का ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है देखिए, सिलेक्शन इज टू बी मेड फॉर वन पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल एंड टू पोस्ट ऑफ वाइस प्रिंसिपल, फॉर वन पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल एंड टू पोस्ट फॉर वाइस प्रिंसिपल, यस। आगे क्वेश्चन में गया ना, अमंग अस द सिक्स कैंडिडेट, टोटल कितने कैंडिडेट्स हैं, सिक्स कैंडिडेट्स कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू, ओनली टू आर एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के लिए कितने एलिजिबल है, सिर्फ टू एलिजिबल है, प्रिंसिपल के लिए कितने एलिजिबल है, टू एलिजिबल है, वाइल दे ऑल आर एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ वाइस प्रिंसिपल, और वाइस प्रिंसिपल के लिए सिक्स के सिक्स एलिजिबल है, ठीक है जी। द नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ द सिलेक्शन, कह रहा है कि क्या आपके पास में कॉम्बिनेशन हो सकता है सिलेक्शन का। अब देखो, प्रिंसिपल की दो पोस्ट है, सॉरी प्रिंसिपल की एक पोस्ट है, सिर्फ दो पर्सन उसके लिए एलिजिबल है, दैट मींस कि प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए अपने पास में कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, यस टू में से कोई भी एक चूज किया जाएगा, यस टू कैंडिडेट्स आर एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल, एक पोस्ट है, मींस कि टू में से किसी एक को मिलेगी, तो कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, टू सी वन, डन। अब उसके बाद में बचे कितने लोग, टोटल कितने बचे, एक तो यहाँ पे सेलेक्ट हो गया, अब बचे कितने टोटल, फाइव, ठीक है। तो अब सिक्स में से वन हमारा चला गया, कितने बचे, फाइव, और फाइव में से कितने सेलेक्ट करने हैं, टू सेलेक्ट करने हैं, फाइव में से कितने सेलेक्ट करने हैं, टू, कितना आ गया, फाइव सी टू, क्लियर। इसको हम सेलेक्ट करेंगे तो हमारे पास में इसको कलेक्शन आ जाएगा, ये टू इंटू फाइव इंटू फोर बाई टू, ओके, दैट मीन्स टोटल 20 सिलेक्शंस कॉम्बिनेशन हो सकते हैं आपके सिलेक्टिंग के, सो आंसर विल बी 20 ऑप्शन में नहीं है, सो आंसर क्या आ जाएगा, नन ऑफ दीज, क्लियर, नन ऑफ दीज विल बी द करेक्ट आंसर, डन, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, कह रहे 2016 का क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन में, इन ए क्वेश्चन पेपर देयर आर फाइव क्वेश्चंस टू बी अटेम्प्टेड एंड आंसर टू
ईच क्वेश्चन हैज टू चॉइसेस. यस, कितने क्वेश्चन है? फाइव क्वेश्चन है. देर आर टोटल फाइव क्वेश्चन और हर एक क्वेश्चन की कितनी है? टू चॉइसेस. True or false? It is given that no two candidates have to give an answer to the five questions in identical sequence. कह रहे कि कोई भी दो कैंडिडेट identical sequence के अंदर उसका आंसर नहीं कर सकता. For this to happen, the maximum number of candidates can be. तो maximum number of candidates क्या हो सकते हैं? तो पहले ये देखो कि two choice है, five question है, तो उनको हम कितने तरीके से, yes, कितने तरीके से उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, कितने उसके कॉम्बिनेशन हो सकते हैं. तो कितने होंगे आपके पास में? दो चॉइस है. देखो फाइव क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर टू, थ्री, फोर एंड क्वेश्चन नंबर फाइव. अब क्वेश्चन नंबर वन के अंदर क्या होगा? या तो ट्रू या तो फॉल्स, टू वे से. क्वेश्चन नंबर टू अगेन टू वे से, टू टू एंड टू. दैट मीन्स टू रेज टू पावर फाइव. ओके जी, दैट मीन्स वट कि अपने पास में कितना आ गया? 32. क्लियर? अब ये हो गया कि हां जी 32 वे से हम उसको कर सकते हैं. अब साथ में उसने कहा है कि अगर अब हम बात करते हैं कि नंबर ऑफ पर्सन कितने होंगे, तो यहां पे हम कह रहे हैं कि टोटल 32 ही, तो 32 कैंडिडेट्स हैं वही हो सकते हैं इसके अंदर. रीजन बीइंग कि अगर 33 हम लेंगे इसके बाद में, अगर आप 33th सेलेक्ट करते हो तो आपके पास में क्या आ जाएगा? जो सीक्वेंस है वो आइडेंटिकल नहीं रहेगी, सीक्वेंस रिपीट हो जाएगी और वो हमें नहीं चाहिए. इसलिए कितने कैंडिडेट्स रहेंगे? 32 रहेंगे. ओके, यस, बिल्कुल क्लियर है. तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे? 32 विल बी द करेक्ट आंसर. यस, ओके, यस. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन 2016 के अंदर आया था. क्या है क्वेश्चन? कह रहे ए राउंड आर्कडेट्री टारगेट ऑफ डायमीटर 1 मीटर इज मार्क्ड विद 4 स्कोरिंग रीजंस फ्रॉम द सेंटर आउटवर्ड एज रेड, ब्लू, येलो एंड व्हाइट. यस, इस तरह से है. डन. रेड, ब्लू, येलो एंड व्हाइट. ठीक है, हाँ जी. द रेडियस ऑफ द रेड बैंड इज 0.20 मीटर. जो रेड बैंड है इसका जो डायमीटर है दैट इज 0.20 मीटर. ओके, रेडियस गिवन है रेड बैंड का हमारे पास में. ओके, द विड्थ ऑफ ऑल द रिमेनिंग बैंड इज इक्वल. सभी की इक्वल इक्वल लेंथ विड्थ है. दैट मींस कि दूसरे का कितना हो जाएगा? 0.4, देन 0.68 और फाइनली हमारे पास में वो कह रहा है कि जो टोटल टारगेट है अपने पास में, जो कंप्लीट टारगेट है उसका डायमीटर कितना है? 1 मीटर है. डायमीटर 1 है, दैट मींस कि जो अपने टारगेट है, टारगेट का रेडियस अगर मैं देखूं, जो टारगेट है हमारा, ठीक है ना, उसका रेडियस कितना रहेगा? पूरे का दे रहा है वो 0.5 मीटर. देन यहाँ पे डायमीटर गिवन है, तो डायमीटर गिवन है तो रेडियस क्या हो जाएगा उसका? हाफ हो जाएगा. ओके, आगे देखिए क्वेश्चन क्या. इफ आर्चर्स थ्रो एरोज टुवर्ड्स द टारगेट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द एरो फॉल इन द रेड रीजन ऑफ द आर्करी टारगेट. तो यहाँ पे कह रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो रेड में ही जाके गिरेगा. तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी, सभी को पता है प्रोबेबिलिटी क्या होती है आपके पास में? फेवरेबल इवेंट डिवाइडेड बाई टोटल आउटकम. ओके, तो यहाँ पे अगर हम फेवरेबल आउटकम की बात करें तो फेवरेबल क्या है? इसने कहा है रेड रीजन में गिरना चाहिए. रेड रीजन मींस व्हाट? कि सिर्फ ये वाला पार्ट होना चाहिए. ये क्या है? दैट मींस कि इसका एरिया लेंगे और टोटल हमारे पास क्या है? ये पूरे का पूरा ही है टोटल. दैट मींस व्हाट? की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी? जो रेड रेड वाला पार्ट है उसका रेडियस डिवाइडेड बाई व्हाट? द टोटल रेडियस, सॉरी एरिया ऑफ द रेड पार्ट. जो रेडिया एरिया है आपके पास में, एरिया ऑफ रेड रीजन डिवाइडेड बाय व्हाट? टोटल एरिया. ओके, तो यहां पे रेड रीजन का जो एरिया है वो कितना होगा? रेडियस आपके पास में 0.2
जीरो मीटर, तो एरिया क्या होता है आपके पास, पाई आर स्क्वायर हाँ जी यहीं पे लिख रही हूं मैं, ये क्या हो जाएगा आपके पास पाई आर स्क्वायर, आर कितना है हमारे पास में 0.20 स्क्वायर, ओके। और अगर हम टोटल की बात करें तो क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, इसका कितना है 0.5 का स्क्वायर, यस क्लियर। पाई से पाई कैंसिल आ जाओ आउट हो जाएगी आपकी, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना आ गया ये आपके पास में 4/25। 4/25 मीन्स व्हाट, 0.16। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 0.16, ओके यस। देख के ऐसा लगता है कि मेंशुरेशन का क्वेश्चन है, बट यहाँ पे ये आपको प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर यहीं पे अपने पास में क्वेश्चन होता कि रेड की बजाय ब्लू वाले पार्ट का कितने प्रोबेबिलिटी है, तो फिर हम क्या करते, पहले ब्लू का एरिया निकालते। कैसे निकालते, कि यहां से यहां तक ब्लू तक का रेडियस हमें पता है, ठीक है, आउटर माइनस इनर, रेड वाले का हम माइनस कर देते तो ब्लू का एरिया आ जाता आपके पास में, ठीक है। तो वो क्या होता हमारा फेवरेबल केस, तो वही आ जाता एरिया ऑफ द ब्लू पार्ट एंड डिवाइडेड बाय टोटल। तो टोटल के केस के अंदर हम यही लेते, सिर्फ ये पार्ट आपका चेंज हो जाना था, बिल्कुल क्लियर है, यस। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है ए बैग कंटेन्स 20 बॉल्स, ए बॉल 8 बॉल्स आर ग्रीन 7 आर व्हाइट, 8 बॉल्स आर ग्रीन 7 आर व्हाइट एंड 5 आर रेड, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ बॉल्स दैट मस्ट बी पिक्ड अप फ्रॉम द बैग ब्लाइंड फोल्डेड विदाउट रिप्लेसिंग एनी ऑफ दिस टू एश्योर पिकिंग एट लीस्ट वन बॉल ऑफ ईच कलर। कह रहा है कि कम से कम कितने बार पिक करना पड़ेगा, कि हाँ जी श्योरिटी होनी चाहिए कि हाँ तीनों कलर की, कम से कम एक जो बॉल है वो तीनों कलर की होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अगर मान लो मैं 8 टाइम्स पिक करती हूँ, तो ये भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि सारे 8 के 8 ग्रीन बॉल्स आ जाए मेरे पास में, यस yes, हो सकती है दैट। उसके बाद में उस केस के अंदर क्या होगा, व्हाइट और रेड रह जाएंगी, डन। अब अगर मान लो मैं 9th बॉल पिक करती हूँ, तो उस केस के अंदर क्या होगा, अगर हम 9th पिक करते हैं तो उस केस में वो व्हाइट भी आ सकती है रेड भी आ सकती है, व्हाइट भी आ सकती है रेड भी आ सकती है, अगेन आपके पास में एक बिल मिसिंग हो सकती है, यस। कंफर्मेशन नहीं है, कंफर्मेशन नहीं है, बट इसने कहा है कि मुझे शॉर्टी से चाहिए। यहाँ पे क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ है, टू बी अश्योर्ड ऑफ पिकिंग एट लीस्ट वन बॉल ऑफ ईच कलर, हर कलर की एक बॉल आनी ही आनी चाहिए, ठीक है। दैट मीन्स वट, कि अगर मैं 15 तक भी पिक करती हूँ, 15 बॉल पिक करती हूँ, तब तक भी हमारे पास में कोई श्योरिटी नहीं है कि क्या पता रेड बॉल हमारे पास में हाथ में आएगी या नहीं आएगी, क्लियर। दैट मीन्स वट, कि 15 तक श्योरिटी नहीं, बट अगर हाँ हम 16th बॉल अगर हम पिक करते हैं, 16th बॉल पिक करते हैं, उस केस के अंदर भाई 15 तो इनमें से हो सकती है, 16th तो फिर यही आएगी ना, ठीक है। दैट मीन्स कि मिनिमम हमें कितनी बॉल्स पिक करनी पड़ेंगी, 16 बॉल पिक करनी पड़ेंगी, तो आंसर आ जाएगा 16। सिर्फ लॉजिकल क्वेश्चन है, यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा आपका, यस डायरेक्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो गया सभी को। करें कि एक बॉल तो तीनों कलर की होनी ही होनी चाहिए, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे जब तक हम 15 बॉल्स पिक करते हैं तब तक हमें कोई श्योरिटी नहीं है, बिकॉज क्या पता 15 की 15 बॉल सारी के आरे 8 और ये ग्रीन है हमारे पास और 7 व्हाइट बॉल है, क्या पता ये वाली हमारे हाथ में आ जाए, ओके ना। तो यहाँ पे आप कह रहा है कि जो अगर हम 60th बॉल पिक करते हैं, इन दैट केस दिस इज श्योर, बिकॉज जो 60th बॉल है वो इनमें से ही आएगी, डन। तो आंसर क्या आ जाएगा अपने पास में, 16 आंसर आ जाएगा, ओके यस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे क्या है क्वेश्चन, कह रहे कि टू बॉयज एंड टू गर्ल्स, टू बॉयज एंड टू गर्ल्स आर टू बी अरेंज्ड इन ए रो सो दैट गर्ल्स आर नॉट नेक्स्ट टू ईच अदर, यस। क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर, कि जो गर्ल्स है वो एक दूसरे के नेक्स्ट टू ईच अदर नहीं होनी चाहिए, हाउ मैनी पॉसिबल अरेंजमेंट्स आर देयर। तो अगर हम यहाँ पे अरेंजमेंट देखें, तो उसने कहा कि गर्ल्स जो है वो एक दूसरे के नेक्स्ट टू ईच अदर नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो अगर हम बॉयज की बात करें, तो ऐसे हम बॉयज को बिठा सकते हैं, हमने दो बॉयज को बिठा दिया, यस एक स्पेस बीच में छोड़ के हम दो बॉयज को बिठा सकते हैं। अब ये जो दो बॉयज है वो कितने तरीके से हम इसको बैठा सकते हैं, यस इनकी क्या अरेंजमेंट हो सकती है, फैक्टोरियल टू, यहाँ पे
बॉय वन भी आ सकते हैं, यहाँ पे बॉय टू भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है। तो फैक्टोरियल टू वे से हम इनको अरेंज कर सकते हैं। अब उसके बाद आती है गर्ल्स। गर्ल्स की अगर मैं बात करूँ तो अब गर्ल्स के लिए कितनी पोजीशन रह गई है, गर्ल्स के लिए कितनी पोजीशन रह गई है, एक यहाँ पे गर्ल्स बैठ हो सकती है, यहाँ पे भी हम गर्ल को बिठा सकते हैं, यहाँ पे भी। दैट मीन्स की वी हैव थ्री पोजिशन एंड टू गर्ल्स। थ्री पोजिशन है और हमारे पास में टू गर्ल्स है, तो यहाँ पे अपने पास में क्या आ जाएगा, हाँ जी थ्री पोजीशन है, टू गर्ल्स है। क्लियर? यस। अब सॉरी सी आएगा, थ्री में से हमने टू सेलेक्ट कर ली। उसके बाद में क्या कह रहा है कि थ्री पोजीशन है, टू गर्ल्स है। अब उसके बाद में क्या है, जो गर्ल्स हैं, जो दो गर्ल्स हैं, वो दो गर्ल्स में भी तो कोई भी एक दूसरे के साथ पोजीशन एक्सचेंज कर सकती है। तो गर्ल्स को हम कितने वे से अरेंज कर सकते हैं, फैक्टोरियल टू वे से। यस, यहां तक बिल्कुल क्लियर है। तो अब यहाँ पे अपने पास में क्या आ जाएगा, दिस विल बी थ्री टू इंटू थ्री इंटू टू। ओके, तो ये हो जाएगा अपने पास में 12। डन? यस। हाँ जी बिल्कुल क्लियर है सभी को। यस अब देखिए नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट अपने पास में क्वेश्चन 2018 का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, करे फोर स्पोर्ट्स मीट ए विनर स्टैंड कंप्राइजिंग थ्री वुडन ब्लॉक्स इन द फॉलोइंग। ये आपके पास में इस तरह का क्वेश्चन आया था कि थ्री वुडन ब्लॉक्स है फर्स्ट सेकेंड और थर्ड पोजिशन के लिए, तो कह रहे हैं कि उनको पेंट करना है। क्या है आगे, यस थ्री वुडन ब्लॉक्स है। अब आगे क्या गिवन है, कह रहे देर आर सिक्स डिफरेंट कलर्स अवेलेबल टू चूज फ्रॉम ईच ऑफ द थ्री वुडन ब्लॉक्स इज टू बी पेंटेड सच दैट नो टू ऑफ देम हैज सेम कलर। कह रहा है किसी भी दो का सेम कलर नहीं आना चाहिए। किस तरह से करना है, देर आर सिक्स कलर्स, सिक्स डिफरेंट कलर है, और कह रहा है किसी भी दो का सेम कलर नहीं होना चाहिए। देन इन हाउ मैनी डिफरेंट वेज कैन द विनर स्टैंड कैन बी पेंटेड। विनर स्टैंड को कितने तरीके से पेंट किया जा सकता है, तो आप देखिए कितने तरीके से उसको पेंट किया जा सकता है। देखिए अपने पास में ये जो है ये वाला पार्ट है, एक तरह से हमारे पास में तीन है, ठीक है। तो अब कलर कितने हैं, सिक्स कलर है, इसको हम सिक्स में से कोई भी कलर पेंट कर सकते हैं। हाँ जी सिक्स में से कोई भी ले सकते हो, दैट मीन्स कि वी कैन पेंट इट बाय सिक्स वेज। देन अब सिक्स के अंदर से एक कलर हमने यहाँ पे यूज कर लिया, एक कलर हमारा यूज हो चुका है। अब हमारे पास में कितने कलर रह गए, फाइव। दैट मीन्स कि ये वाला जो पार्ट है इसको हम कितने कलर यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं, फाइव में से कोई एक ले सकते हैं, फाइव में से कोई एक ले सकते हैं। डन। अब पूरे का पूरे फाइव वेज है हमारे पास में। अब देखो एक कलर यहाँ पे यूज हो गया, अब कितने कलर बच गए इसके लिए, फोर। फोर को कितने वे से ले सकते हैं, फोर वेज से ले सकते हो। डन। दैट मीन्स व्हाट कि टोटल नंबर ऑफ वेज कितने आ गए आपके पास, 120। यस इस क्वेश्चन द यस क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। क्या है, थ्री ब्लॉक्स आपके पास में, थ्री ब्लॉक्स के और टोटल सिक्स कलर्स है। सिक्स में से पहली बारी में तो आप सिक्स में से कोई भी यूज कर सकते हो, सिक्स में से कोई भी यूज कर सकते हो, इसलिए हमने यहाँ पे सिक्स ले लिया, ठीक है। अब दूसरे कलर ब्लॉक के लिए सिक्स में से एक कलर तो हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, एक हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, दैट मीन्स कि कितने यूज कर सकते हो, सिर्फ फाइव यूज कर सकते हो, ठीक है। अब जो थर्ड है, थर्ड के अंदर एक और यूज हो गया अपना यहाँ पे, एक यहाँ पे यूज हो गया आपका कलर और एक कलर यहाँ पे यूज हो गया, दैट मीन्स कि कितने बचे, फोर कलर्स बच गए। अब फोर में से कोई भी यहाँ पे आप एक ले सकते हो, दैट मीन्स कि यू हैव फोर चॉइसेस। डन। तो टोटल कितना आ गया आपके पास में, 120 आ गया। डन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन हाउ मैनी डायगनल्स कैन बी ड्रॉन बाय जॉइनिंग वर्टिसेस ऑफ एन ऑक्टागन। एक ऑक्टागन है, उसके कह रहा है कि कितने डायगनल्स हो सकते हैं, तो डायगनल्स कितने हो सकते हैं। जब भी इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आता है तो डायगनल के लिए अपने पास में फॉर्मूला क्या होता है कि एन सी टू। डायगनल किससे बनेगा, टू लाइन से ज्वाइन करके बनेगा, और जो डायरेक्ट आपकी एडजॉइंट लाइन है उसको तो हम डायगनल कह नहीं सकते, तो यहाँ पे जो वो वाली लाइन है वो हमारी माइनस। फॉर्मूला क्या है, एन सी टू माइनस एन। डन। तो यहाँ पे आपके पास में एन की वैल्यू क्या है, ऑक्टागन गिवन है, ऑक्टागन मीन्स
कितनी साइड्स हैं इसकी, 8 साइड्स हैं, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 8C2 - 8, हमारे पास 8 × 7 × (factorial 6) × (factorial 2) × (factorial 6). 6 कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया 4. दैट मीन्स 28 - 8 = 20. सो 20 विल बी द करेक्ट आंसर. ओके, फॉर्मूला नोट डाउन कर लो. डायगोनल का सिंपल है अपने पास में NC2, क्योंकि दो लाइंस को ज्वाइन करके डायगोनल बनेगा, ठीक है. बट जो अपने पास में जो डायगोनल बन रहा है, जो एडजेसेंट लाइंस है, वो तो डायगोनल नहीं होती ना आपकी, तो एडजेसेंट लाइन कितनी होंगी आपके पास में, 8, तो 8 को मैंने माइनस कर दिया. NC2, हाँ, अगर यहाँ पे हो जाती कि टोटल कितनी लाइंस हैं, टोटल कितनी लाइंस है, तो सिर्फ NC2 आंसर आ जाता. बट उसने डायगोनल कहा है, तो डायगोनल के अंदर क्या होगा आपका, N को आप माइनस करोगे. क्लियर. यहाँ पे क्वेश्चन ये में ये भी हो सकता था कि हाउ मैनी लाइन्स कैन बी ड्रॉ, यार कितनी लाइन्स होती हैं, हो सकती है आपके डायगोनल के, ऑक्टागोनल के अंदर कितनी ड्रॉ कर सकते हो, तो उस केस के अंदर आपका NC2 आंसर आ जाना था. बट यहाँ पे डायगोनल का है, तो एडजेसेंट को आपको माइनस करना है, सो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास में, 20. यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. अगेन 2018 का क्वेश्चन है. क्या है क्वेश्चन, ए बैग कंटेन 15 रेड बॉल्स, 20 ब्लैक बॉल्स, ओके, ईच बॉल इज नंबर्ड इधर 1 or 2. हर एक बॉल के ऊपर क्या नंबर है, 1 या फिर 2 या फिर 3. ओके, क्या क्या नंबर है हमारे पास, 1, 2 और 3. हाँ जी, आगे क्वेश्चन में कि 20% ऑफ द रेड बॉल्स आर नंबर्ड 1, 40% ऑफ देम आर नंबर्ड 3, सिमिलरली अमंग द ब्लैक बॉल्स 45% आर नंबर 2 एंड 30% आर नंबर 3. ए बॉय पिक्स ए बॉल एट रैंडम, यस, रैंडम में एक बॉल पिक करनी है सिर्फ, ही विंस, वो जीत जाता है. कब जीत जाता है, इफ बॉल इज रेड एंड नंबर 3, या तो बॉल आपकी रेड कलर की और 3 नंबर होना चाहिए, या फिर ब्लैक बॉल होनी चाहिए और नंबर क्या होना चाहिए, 1 or 2, या तो 1 हो या फिर 2 हो. देन व्हाट इज द चांसेस फॉर हिज विनिंग, तो विनिंग के चांसेस कितने हैं. तो ओके, तो अब यहाँ पे पहले हमें पता करना पड़ेगा कि रेड और ब्लू, रेड और ब्लैक के अंदर से नंबर हमने चेक करने, कितनी बॉल्स पे कौन कौन सा नंबर है. ओके, तो यहाँ पे अगर मैं देख, खुद कह रहा कि 20 बॉल्स जो है, 20% क्या है, रेड बॉल है के ऊपर नंबर 1 मेंशन किया हुआ है, इसकी 20% कितनी हो गई, यस 20% हो गई 3, 15 का 20% 3, तो ये अपने पास में हो गई 3 बॉल्स. देन 40% ऑफ देम नंबर 3, 40% के ऊपर 3 है, 40% मींस व्हाट, 6, 6 के ऊपर 3 है, बची कितनी, 9 है, टोटल 15 थी, 15 में से 9 पे आपका 1 और 3 आ गया, बची कितनी, 6, 6 के ऊपर क्या आ गया आपके पास, 2, डन, यस. वैसे इसकी जरूरत नहीं आपको कैलकुलेट करने की सभी को, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ रेड का है और नंबर 3 है, तो रेड की 3 हमारे पास में क्या आ गई, ये आ गया 6, डन, यस. दूसरा है अपने पास में, सिमिलरली अमंग द ब्लैक बॉल्स 45% आर नंबर 2, 45% मीन्स कितनी हो गई, 9 बॉल्स, कितनी क्या है आपकी, 2 मेंशन किया हुआ है 9 बॉल्स पे ब्लैक कलर की पे, ठीक है. उसके अलावा कह रहा है कि 30% आर नंबर 3, 30% मीन 6 बॉल्स के ऊपर क्या है, नंबर 3 है, टोटल 20 बॉल्स है, 20 के अंदर 50 बॉल्स का नंबर हमें पता है, बची कितनी, 5, 5 के ऊपर क्या हो गया, नंबर 1 आ गया, डन. अब हम क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, कहता है कि द बॉय पिक्स द बॉल्स एट रैंडम, बॉय ने रैंडम में एक बॉल पिक करी है, बॉय ने कब विन करता, बॉल इज रेड, यस कंडीशन लिख लेते हैं हम, बॉल क्या है, रेड होनी चाहिए और नंबर क्या होना चाहिए उसका, 3, ओके. दूसरा क्या कह रहा है, बॉल ब्लैक होनी चाहिए और नंबर क्या होना, या फिर क्या होना चाहिए, नंबर क्या होना चाहिए उसका, 1 या फिर और है ये, ठीक है. अब हमेशा ध्यान रखना कि जब एंड की कंडीशन आती है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, और जब और की कंडीशन आती है तो हम प्लस करते हैं, डन. तो यहाँ पे देखिए, रेड बॉल के अंदर से रेड, देखिए रेड जो बॉल है उसका नंबर 3 कितनी है, यस कितनी है, 6 है, दैट मीन 6, डन. अब दूसरा क्या कहता है कि बॉल, ये 6 आ गया आपके पास में, बॉल ब्लैक बॉल नंबर 1 एंड 2. अब ब्लैक देखिए, ब्लैक बॉल ये है,
नंबर वन एंड टू, वन की कितनी है 5 एंड टू कितनी है 9, दैट मीन्स कितना हो गया 14. तो फेवरेबल केसेस कितने आ गए आपके पास में 20, और टोटल आउटकम की अगर मैं बात करती हूँ टोटल आउटकम कितने आ जाएंगे आपके पास में, ये कितनी बॉल्स है हमारे पास टोटल, यस टोटल आपके पास है 15 प्लस 20 दैट मीन्स 35 बॉल्स है. तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी इज व्हाट, फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम. तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी आ जाएगी आपकी 20/35 दैट मीन्स 4/7. सो 4/7 विल बी द करेक्ट आंसर. ओके यस, क्वेश्चन क्लियर हो गया सभी को. हमने पहले ये देखना है कि रेड और ब्लैक कलर की जितनी भी बॉल्स हैं उन पे नंबर क्या क्या मेंशन है, ठीक है. और फिर जैसे भी उसने यहाँ पे कंडीशन बताई, कंडीशन क्या कहा था कि आपको रेड थर्ड मार्क होना चाहिए, तो रेड जिसके ऊपर नंबर 3 मार्क है तो उतने कितने केसेस बन रहे हैं आपके 6 है? हमने कैलकुलेट किया था, ठीक है जी. सेम वे 1 और 2 किस ब्लैक कलर के अगर मैं देखूँ तो और है तो हम दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आ गया 5 और 9, कितना हो गया आपके पास 14. तो टोटल फेवरेबल केसेस कितने आ गए हमारे पास 20 एंड टोटल आउटकम इज 35. सो आंसर विल बी 4/7. यस 4/7 है ये. हाँ जी दिखाई नहीं दे रहा, एक मिनट. यस अब क्लियर है, देखो प्रोबेबिलिटी आ गई आपकी 20/35 4/7. यस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. यस नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रीन पे देखिए सभी क्या है. कह रहा है कि द नंबर ऑफ पैरेललोग्राम कैन बी फॉर्मड फ्रॉम ए सेट ऑफ 4 पैरेलल लाइंस. देयर आर 4 पैरेलल लाइंस इंटरसेक्टिंग वन अनदर सेट टू 4 पैरेलल लाइंस. इस तरह से आपके पास में ये 4 पैरेलल लाइन है और इंटरसेक्ट कर रही है ये 4 पैरेलल लाइन है. डन. अब क्वेश्चन है कि कितने पैरेललोग्राम बन सकते हैं. तो पैरेललोग्राम अगर हम यहां पे देखें, वैसे आप अगर देख रहे हो तो यहां पे आप देखो कि अगर हम इस सेट को लेते हैं तो भी एक पैरेललोग्राम बनेगा, अगर हम यहां से लेके यहां तक लेंगे तो भी एक पैरेललोग्राम बनेगा. पैरेललोग्राम क्या है बेसिकली, यस पैरेललोग्राम क्या है अपने पास में, जिसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है. तो आप इनमें से कोई भी लाइन को चूज करेंगे तो उससे दो दो पैरेलल लाइन आपको किस में चाहिए, दो हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइन चाहिए आपको और दो वर्टिकल पैरेलल लाइन चाहिए, तभी पैरेललोग्राम बनेगा ना. देखो दो हमें हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइन चाहिए पैरेललोग्राम के लिए और दो वर्टिकल पैरेलल लाइन चाहिए, ठीक है. इट डजंट मैटर कि हाँ जी किसकी लेंथ कितनी है, उसने सिर्फ ये कहा है कितने पैरेललोग्राम बनेंगे. तो नंबर ऑफ पैरेललोग्राम्स कितने हो जाएंगे, यस पैरेललोग्राम कितने हो जाएंगे. अब देखो 4 हॉरिजॉन्टल लाइन है, 4 में से मुझे कितनी चाहिए 2 चाहिए, तो कितनी होगी 4 में से 2 सेलेक्ट कर ली. ओके सेम वे वर्टिकल की हम बात करेंगे तो 4 में से कितनी चाहिए हमें 2 चाहिए, क्लियर. इसको आप सॉल्व करेंगे तो हो गया हमारे पास 4/3/2 × 4 × 3/2 कितना आ गया 36. तो कितने बनेंगे 36 पैरेललोग्राम बन सकते, क्लियर. यहाँ पे पैरेललोग्राम की जगह अगर रेक्टेंगल आ जाता अगेन सेम ही आपका आंसर आना था. अगर रेक्टेंगल आ जाता तो भी आपका सेम आंसर होता, पैरेललोग्राम है तो भी आपका सेम आंसर है, क्योंकि जो रेक्टेंगल है रेक्टेंगल में भी यही होता है कि अपोजिट साइड्स आपकी इक्वल होती है, ठीक है. यस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2019 का क्वेश्चन है. कह रहा है ईच फेस ऑफ ए क्यूब कैन बी पेंटेड इन ब्लैक और वाइट कलर. या तो ब्लैक से हम उसको पेंट कर सकते हैं या फिर वाइट कलर से पेंट किया जा सकता है. कह रहा है इन हाउ मैनी डिफरेंट वेज कैन बी द क्यूब पेंटेड. कह रहा है क्यूब को कितने वे से पेंट किया जा सकता है. यस अब देखो जो क्यूब है क्यूब के कितने फेस होते हैं, सभी को पता है क्यूब के कितने फेस हैं, 6 फेसेस हैं. तो अब यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, या तो ब्लैक कलर से उसको हम पेंट कर सकते हैं या फिर व्हाइट कलर से पेंट कर सकते हैं. तो कितना आ जाएगा आपके पास में, यस 6 के 6 फेसेस है, या तो हम ब्लैक से करेंगे या फिर व्हाइट से. कितना आ गया 12 विल बी द करेक्ट आंसर. ओके ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी कह सकते हैं, जैसे एक फेस है उसको कितने वे से कर सकते हैं हम 2 से, दूसरे को भी 2 से, तीसरे को भी 2 से, 6 फेसेस है
अगेन कितना आ जाएगा आपके पास में 12 आंसर आ जाएगा। ओके यस क्लियर है सभी को। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 2020 का क्वेश्चन है। देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मैनी डिफरेंट फाइव लेटर वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग, क्या कह रहे हैं, विद और विदाउट मीनिंग कैन बी कंस्ट्रक्टेड बाय यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड दिल्ली। हमारे पास में एक वर्ड है दिल्ली, देन अब आगे कंडीशन गिवन है कह रहा है सो दैट ईच वर्ड हैज टू स्टार्ट विद डी। हर एक वर्ड किससे स्टार्ट होना चाहिए, डी से। अब यहाँ पे डी के इस जगह पे डी ही आना चाहिए, दैट मीन्स कि हम कितने वे से इसको अरेंज कर सकते हैं डी को, तो सिर्फ एक ही वे से तो ये अरेंज कर सकते हो, बिकॉज हमारे पास में एक डी है और वो कहता है यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है। और साथ में उसने कहा एंड एंड विद आई, और एंड में आई आना चाहिए, दैट मीन्स कि यहाँ पे हमारे पास एक आई है वो एंड में प्लेस हो गया। अब देखो कितने आपके पास में पोजिशन है, थ्री है, और थ्री है, थ्री पोजिशन आपके पास में और थ्री ही लेटर्स है, तो इनको आप कितने वे से अरेंज कर सकते हो, फैक्टोरियल थ्री से। ओके तो कितना हो जाएगा, थ्री इंटू सिक्स। क्लियर है बिल्कुल, यस। वैसे भी अगर हम देखें, देखो तीन है तो तीन में से यहाँ पे कोई भी एक आ सकता है, तीन में से यहाँ पे कोई भी एक आ सकता है, ए आ सकता है, एल आ सकता है, एच आ सकता है, ठीक है। अब एक यहाँ पे आ गया, बच गए कितने, टू, टू यहाँ पे, एक यहाँ पे आ गया, अब बच गया कितना, वन। तो ये हमारे पास फाइनली क्या निकल के आ जाता है, फैक्टोरियल आ जाता है। तो डायरेक्टली आप ऐसे भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो। ओके यस, तो यहाँ पे आज की क्लास के अंदर हमने परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी के अंदर से जितने भी क्वेश्चंस आए हुए थे सभी के सभी आप लोगों के साथ में डिस्कस किए। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको जितने भी लेटेस्ट अपडेट है आप लोगों तक पहुंच सके। दूसरा, अगर आप लोगों को लगता है कि ये वीडियो हेल्पफुल है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करनी है। हाँ जी, अगर आपको लगता है कि इस सीरीज़ के अंदर हम आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करवा रहे हैं और ये कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए हेल्पफुल, और डेफिनेटली रहेगी हेल्पफुल, ठीक है, तो आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करेंगे। ओके यस, और ये हमारी एक जो सीरीज़ है दिस इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई इसके चार्जेस नहीं है। आप अगर उसको रजिस्टर करते हो तो उस केस के अंदर आपको सभी के सभी क्वेश्चंस, यस, हर एक टॉपिक पे, चाहे आपका नंबर सिस्टम है, चाहे एवरेज है, चाहे रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, कोई भी टॉपिक है, चाहे इंग्लिश के टॉपिक है, चाहे लॉजिकल रीजनिंग के टॉपिक्स है, तो सभी आपको एक ही प्लेटफॉर्म के अंडर विद PDF अवेलेबल होंगे। और PDF के अलावा उसके साथ में टेस्ट भी अटैच है, सो दैट कि जस्ट लेक्चर के बाद में आप एक टेस्ट भी अटेम्प्ट कर सको, जिससे आपको पता चले कि हाँ जी मेरा जो टॉपिक है वो कितना प्रिपेयर है। ओके सो इट वाज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।